लोग सभा दे केंद्रीय वित्त मंत्री ने विरोधियों के तंज कसे ने। निर्मला सीतारमन ने कांग्रेस को खूब घेरिया। राहुल गांधी के नारे हम दो हमारे दो के खिलाफ तिखे शब्दी हमले किए और इन्ना ही नहीं APMC एक्ट और खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर भी कांग्रेस को सवाल किए। इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब था, उसमें उन्होंने बहुत सारे छोटा किसान के ऊपर बात बोली। मैंने सोचा उन विषयों में, क्योंकि छोटा किसान से हम दो हमारे दो के लिए किसान से जमीन हड़प दी गए, मैंने सोचा वो खड़े होकर के ये बात बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आपने तो स्मॉल फार्मर्स के ऊपर इतना अच्छा बोल दिया, मैंने मेरे अपना दो से बोल दिया प्लीज जमीन वापस कर दो फार्मर्स को, क्योंकि हम तो सस्ते में उनसे ले लिया, मगर ये किसान का जमीन है, हम खड़े होना है, राजनीति में है, इसीलिए राजनीति के हमारे परिवार हम और मैं खड़े होना है, आप जमीन वापस कर दो जी। और इधर हाँक करके बोल सकते थे, हम दो हमारे दो में दामाद को मैंने आदेश करके आई हूं कि जमीन वापस करो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कोटेशन पढ़ाए कि उनके तरफ से भी ऐसे प्रावधान किसान के लिए होना चाहिए, ये भी बोल। मैंने सोचा उस दिन फाउंडेशन ले करने के समय बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसान कानून इंपॉर्टेंट है, वो कम से कम बोले कि क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट को कांग्रेस अभी भूल जा रहे हैं और याद प्रधानमंत्री जी ने दिलाया। मैंने सोचा कम से कम वो मानेंगे, हाँ हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे बात किया है, आई हैव टू रेस्पेक्ट, वी विल रेस्पेक्ट नाउ, वी वोंट डिसऑनर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कहेंगे, ऐसे मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, मगर वो भी नहीं हुआ। APMC देश भर में कहीं ये तीनों कानून आने के बाद बंद हुआ है क्या? कहीं बंद नहीं हुआ। मैं मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ अभी प्रश्न भी पूछ रही हूं, प्रूव इवन इफ वन APMC मंडी वॉज शट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेट विल बी एक्चुअली बी गोइंग टू द स्टेट सो दैट APMC इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी इंप्रूव। हम ऊपर से फंड भी दे रहे हैं स्टेट को APMC का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। लोकसभा दे विच जिथे कि केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कांग्रेस नूं खूब घेरिया, कांग्रेस ते तंज कसे और नाल ही राहुल गांधी के बयानों की निखेधी की, तो इसे विचाले हुण कांग्रेसी विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका दे वल्लों सीधा पलटवार करदे स्पष्टीकरण दिता गया। आज केंद्रीय मंत्री बहन सीतारमन ने मोदी साहब के इशारे पे झूठ बोलना शुरू किया है और केंद्र की सरकार झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। वो कह रही है कि जो जेल भेजने का प्रावधान पंजाब के कानूनों में है वो कांग्रेस ने लागू किया, वो भूल गए, ये मोदी साहब के प्रेशर के हेठ प्रकाश सिंह बादल ने ये कानून देश में नहीं पंजाब में जो बनाए थे वो प्रकाश सिंह बादल के कानून है, जिसका इल्जाम आप हमारे ऊपर लगा रहे हो वो अकाली दल की सरकार द्वारा बनाए गए कानून है। यहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस ने खेती कानूनों का पंजाब में विरोध किया, राजस्थान में हमारी सरकार है हमने कानून रद्द किए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है हमने कानून रद्द किए और आप देश बेचने जा रहे हो, आप डिफेंस को भी नहीं छोड़ रहे, 74% प्राइवेट लोगों के हाथों में देश की सुरक्षा भी बेचने जा रहे हो, रेलवे आपने बेच दी, तेल कंपनियां आपने बेच दी, सारा देश आप बेचने जा रहे हो, ए संभल के रहो ए देश वालों, जागते रहो, जागो वरना तुम्हारी दास्तां भी ना होंगी, दास्तानों में झूठ बंद करो मोदी जी।